वर्ल्ड कप वार्म मैच में इंडिया की पावरफुल गेंदबाजी 183 रन चेंज कर रही बांग्लादेश 120 तक पहुंच पाई। बल्लेबाजी में पंत और पांड्या ने दम दिखाया। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने इकलौते वार्म अप मैच में बांग्लादेश पर 62 रन की जीत हासिल कर ली। नसाऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इंडिया ने टॉस जीता और 183 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में बांग्लादेश 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सका। मैच के दौरान भारतीय कप्तान ने बैटिंग में कई एक्सपेरिमेंट किए। पहले सैमसन को ओपनिंग भेजा, वो सिर्फ 1 रन बना पाए। फिर ऋषभ पंत को 3 नंबर पर भेजा, उन्होंने 50 लगाई। यहां हार्दिक पांड्या ने करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाई। सूर्य कुमार ने 31 रन की पारी खेली, स्ट्राइक रेट 172 से ऊपर था। गेंदबाजी में रोहित शर्मा ने 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने पावर प्ले के अंदर 4 गेंदबाजों से बॉलिंग कराई। आखिरी ओवर में दुबे को 2 विकेट, आखिरी ओवर डाल रहे शिवम दुबे ने 2 विकेट झटके। उन्होंने रिशाद हुसैन और जैकर अली को आउट किया। दुबे की आखिरी बॉल के साथ भारत ने मैच 62 रन से जीत लिया। बुमराह ने शाकिब को पवेलियन भेजा। 50 पार्टनरशिप ब्रेक की 19वां ओवर डाल रहे जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल किए। उन्होंने शाकिब अल हसन को पंत के हाथों मैच कराया, जबकि महमूदुल्लाह भी रिटायर आउट हुए। पांड्या के ओवर से 20 रन आए। महमूदुल्लाह ने लगातार 3 बाउंड्री जमाई। 41 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह ने 50 पार्टनरशिप करके बांग्लादेश को संभाला। दोनों ने 15वां ओवर डाल रहे हार्दिक पांड्या के ओवर से 20 रन बनाए। इनमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। दोनों के बीच 50 पार्टनरशिप हो चुकी है। पांड्या को भी विकेट तंजीद को आउट किया। 9वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने दूसरी बॉल पर विकेट हासिल किया। उन्होंने तंदीज हसन को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराया। हार्दिक ने इस ओवर में 4 डॉट बॉल डाली और महज 1 रन दिया। अक्षर ने तौहीद हदों को पवेलियन भेजा। 8वीं ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने बांग्लादेश को 4th झटका दिया। यहां तौहीद हदों 13 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रविंद्र जडेजा ने डीप मिड विकेट पर कैच लिया। 5वें ओवर में पंत से हुई गलती। हार्दिक पांड्या 5वां ओवर फेंकने आए। उन्होंने 5 गेंदों में 8 रन दिए थे। तौहीद हदों ने 1 चौका भी लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर तौहीद ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन तंजीद ने मना कर दिया। दोनों एक ही एंड पर आ गए। फील्डर शिवम दुबे ने विकेट कीपर पंत की ओर थ्रो फेंका, लेकिन वो रन आउट करने से चूक गए। सिराज का किफायती ओवर विकेट के साथ। पावर प्ले में 4th ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए। उन्होंने नजमुल हसन शांतो का विकेट लिया। सिराज ने 5वीं गेंद शॉर्ट पिच फेंकी, जिसे पुल करने गए बांग्लादेश के कप्तान शांतो हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठी। सिराज ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए।